नशे के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को 7 राज्यों की बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई दूसरी इंटरस्टेट रीजनल बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नशे की रोकथाम के लिए स्ट्रैटेजी पर मंथन हुआ। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नशे की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी राज्यों ने स्वागत किया। बैठक में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सेट करने पर भी सहमति बनी, ताकि ड्रग्स से जुड़ी इंफॉर्मेशन को साझा किया जा सके। सभी राज्य ड्रग्स के खिलाफ इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने पर सहमत हुए हैं। नशे को खत्म करने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बैठक में हरियाणा की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में जल्द ही हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लागू करने की भी बात कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि वो भी हिमाचल में हकोका और मकोका की तर्ज पर ड्रग्स से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हकोका या मकोका जैसे कानून को अमल में लाने की जरूरत को खारिज किया। कैप्टन के मुताबिक इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एक सहमति थी कि एक सख्त कानून इसकी रोकथाम के लिए बनाया जाए। वास्तव में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए बहुत चिंता पंजाब के साथ हरियाणा की भी हम लोगों को है। तो हमने हरकोका की तर्ज पर मकोका की तर्ज पर हरियाणा में हरकोका नियम इस सारे अपराध को कंट्रोल करने के लिए ये बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि शायद हम इसी सत्र में उसको ला पाएं, ताकि इस अपराध को हम रोक सकें। As far as this Makoka is concerned, I think it requires a further work on it without affecting the rights of the common man. Sometimes when these sort of acts come into being, as we've seen the TAD Act also in the past, they are misused. इस बैठक में नार्को टेररिज्म पर भी फिक्र जाहिर करते हुए इसे रोकने पर मंथन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 29 जून को अटारी से बरामद की गई 532 किलोग्राम हेरोइन का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बेस्ड इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट सक्रिय है। कैप्टन ने कहा कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। कैप्टन ने नेशनल ड्रग्स पॉलिसी के गठन की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रग्स स्मगलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ एनसीबी, बीएसएफ, आईबी सहित कई दूसरी एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के चलते मिली सफलता और सूबे में कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज स्ट्रैटेजी को लागू करने से जुड़ी जानकारी भी पड़ोसी राज्यों के साथ साझा की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही भारत को डिस्टर्ब रखना चाहता है और सरहद पार से वो लगातार नशे का आतंक सप्लाई कर रहा है। नार्को टेररिज्म ISI का गेम प्लान है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के चलते मिली सफलता और सूबे में कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज स्ट्रैटेजी को लागू करने से जुड़ी जानकारी भी पड़ोसी राज्यों के साथ साझा की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रग्स रोकथाम के लिए कई राज्यों के बीच सामंजस्य बढ़ाने के साथ साथ राज्यों के DGP, स्वास्थ्य सचिवों, राजनीतिक प्रबंधकों के बीच भी मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। अब अगली उत्तरी राज्यों की बैठक की मेजबानी हिमाचल अगले साल करेगा। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।